टेम्पू चलाएंगे। क्या लगता है इस क्षेत्र में विकास हुआ है या फिर परिवर्तन होगा? इस बार परिवर्तन है, काम कुछ नहीं हुआ। परिवर्तन जी बिल्कुल परिवर्तन होगा। इस बार हम लोग पूरे वार्ड 64 के जनता एकजुट होके नुसरत जफर खान को ही हम लोग जिताएंगे इंशाल्लाह। पटना नगर निगम चुनाव 28 दिसंबर को होने जा रहा है, वार्ड 64 जी, आपका वार्ड 64 जी, हाँ। क्या लगता है इस क्षेत्र में विकास हुआ है या फिर परिवर्तन होगा इस बार? परिवर्तन है, काम कुछ नहीं हुआ। क्या काम कुछ नहीं हुआ? मतलब नाली नहीं बना, रोड नहीं बना, 20 साल में रोड ढलाई नहीं हुआ। सारा पैसा तो हमने बाप बेटा के शादी में खर्चा कर दी। पानी ना है, पानी के लिए दिक्कत है। मतलब कोई समस्या का हल कुछ नहीं हल? अभी तरह कार्ड नहीं बना, बहुत आदमी कार्ड नहीं बना। तो इस बार क्या लगता है बदलाव किसका चेहरा नजर आ रहा है 64 में? 64 में जवला खान उर्फ नम्बू खान, उनकी बहू है जी। आप जवान नौजवान हैं, क्या लगता है आपके क्षेत्र में काम इस बार परिवर्तन होगा इंशाल्लाह? परिवर्तन होगा जी बिल्कुल परिवर्तन होगा। और इस बार हम लोग पूरे वार्ड 64 के जनता एकजुट होके नुसरत जफर खान को ही हम लोग जिताएंगे इंशाल्लाह। 64 में वही रहेंगे कि परिवर्तन होगा? जनता का मन परिवर्तन की तरफ है। जनता का मन परिवर्तन की तरफ है, हाँ। क्या है आने वाले 28 तारीख को टेम्पू छाप का बटन दबेगा और वार्ड 64 में परिवर्तन होगा। वार्ड 64 आपका क्षेत्र पड़ता है, इसमें विकास हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो क्या लगता है इस बार 28 दिसंबर को जो वोटिंग होगा परिवर्तन होगा कि वही रहेंगे? नहीं परिवर्तन होगा। क्या चेहरा नजर आ रहा है इस बार 64 में? नुसरत जफर खान। नुसरत जफर खान जी, जीत पक्की है? एकदम पक्की है, यकीन से। और हम वार्ड के सब लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग सहयोग करें, अच्छे सहयोग करें ताकि ये बेचारे कामयाब हों। पहले भी वार्ड का विकास किया है, इस बार भी करेंगे। चची, हाँ। क्या लगता है इस बार आपके मोहल्ला से आपकी बेटी बहू उठी हुई है? नामो मियां के बहू जीतेंगे। पक्का? पक्का। 28 दिसंबर को चुनाव होने जा रहा है पटना नगर निगम, वार्ड 64 में हम लोग अभी खड़े हैं। क्या लगता है इस बार वार्ड 64 में वही रहेंगे, वार्ड पार्षद की इस बार चेंज होगी? इस बार परिवर्तन की पूरी तरह से लहर है, क्योंकि पिछले पार्षद ने जो सरकार की कई योजना है उसको जनता तक नहीं पहुंचाया है, जिससे जनता के अंदर काफ़ी नाराजगी है। सबसे अहम योजना जो सरकार की है हर घर जल नल योजना, वो पूरी तरह से विफल रही है। एक एक बोरिंग से 90-90 कनेक्शन दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों के घर के तक पानी नहीं पहुँच पाता। लोगों के दरवाजे पर नल लगा के छोड़ दिया गया है। माँ बहनें बाहर गली में आती हैं, रोड पर पानी भरती हैं। मतलब कोई तरह से कोई सरकार की योजना को लागू नहीं किया गया है। समस्या लेके गए हैं, समस्या लेके हम लोग कई बार गए हैं, बट जवाब यही मिलता है कि आपके वोट से हम लोग नहीं जीतते हैं, हमको जो वोट देते हैं हम उनके लिए काम करते हैं। तो इस बार उनको जनता दिखाएगी कि आप पार्षद सबके हैं, सिर्फ अपने वोटर के नहीं है, पूरे वार्ड के पार्षद हैं। आपको काम सबके लिए करना है। आपके यहाँ जो काम हुई थी पहले, जब जिस समय हम लोग मोहल्ले के जाने के हम लोग अंकल डैडी बोलते हैं, तो उस घड़ी हम लोग का रोड ढलैया हुआ था। और अभी देखिए गड्ढे गड्ढे जहाँ तहाँ पे गड्ढे गड्ढे, एक ठो नल लगा है, पूरे मोहल्ले का पानी नल में आता नहीं है। अब तो समस्या का लेके इसका समस्या ये है कि देखिए वार्ड काउंसिलर जो है वो आते ही नहीं है इधर, तो समस्या किसको सुनाएंगे? तो क्या लगता है इस बार 28 दिसंबर को इस बार बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अजीम अंसारी। कौन सा वार्ड से है? 64 वार्ड से। क्या दिक्कत है? कार्ड हमारा 10 आदमी में एक यूनिट आया है, हो गया आज साल भर से दौड़ा रहे, जमा कर दिए, 2 दिन में आइए, 3 दिन में आइए, 11 आदमी तभी नहीं आया है, अभी नहीं आया है। कौन बोलते हैं? महमूद कुरैसी। अब की आ जाएगा, तो अब की आ जाएगा, वो महीना में आ जाएगा, करते करते इलेक्शन आ गया, इलेक्शन आ गया, अभी तक कार्ड अभी नहीं किया, सबको आ रहा, आपका नहीं आया? नहीं आया। तो क्या लगता है इस बार 64 में जो इलेक्शन वोटिंग हो रहा है, जो अब की एकदम कहा है टेम्पू चलाएंगे? चलेगा। क्या क्या समस्या बताइए? समस्या यही है कि महमूद कुरैसी साहब जो जीते हैं 15 साल 3 बार, और वो एक बार भी यहाँ नहीं आए हैं, और रोड इस हालत बना हुआ है कि अगर किसी आदमी अगर जाए बीमार आदमी को लेके, तो वो आधा ही मर देगा, पूरा यहाँ से वहाँ तक खड्डा ही खड्डा। और तेल का तो बोली मत कीजिए,
अब करसन तेल तो कहाँ जा रहा है, भगवान जाने कहाँ जा रहा है। करसन तेल का तो अब कोई काम है नहीं, करसन तेल कहाँ कुछ होता है। तेल का से अभी मेंटेन करवाना है, अब खरीद लाना पड़ रहा है 80 रुपए लीटर करवाते नहीं कम से कम। उसमें करसन तेल वार्ड पार्षद आपको देगा पेंट करने के लिए? नहीं देगा, यूज तो होगा, दे ही ना रहा तो यूज कहाँ से निकलेगा। अगर देगा तो बैठा अपना हटवा देंगे, वही जला देंगे। दे तो पहले कम से कम, उसका काम है देना, हम यूज करेंगे कि फेंकेंगे वो मेरा मैटर है। तो क्या लगता है इस बार 28 दिसंबर को जो वोटिंग होगा किधर का मन है आपका? मन तो है कि मेरे चाचा लगे और ये पहले जीत चुके हैं और क्या नाम है, कौन है? जावला खान नाम है और इंतकाल भी कर चुके। उनका ख्वाहिश था कि एक बार कम से कम उनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन अब उनको ना मौका मिला तो उनकी बहू उनकी जगह पर खड़ी है नुसरत जफर खान। उनको मौका दिया जाएगा और हाल में दिया जाएगा, देना ही होगा। वार्ड 64 में काम हुआ है कि परिवर्तन होगा इस बार? परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। क्या है नम्मू खान इंशाल्लाह जीती है, काम नहीं हो रहा है। वो कहाँ उठ रहे हैं? नहीं उनकी बहू उठ रही नहीं है, तो जो उठ रहे उनका ना बताइए। वही जीती है। कौन छाप है? टेम्पू छाप। टेम्पू छाप कितना नंबर पे होंगे? 3 नंबर। तो इस बार परिवर्तन होगा? जी हाँ। क्या है काम नहीं हुआ है? नहीं काम होगा इंशाल्लाह, बस जीतेंगे तो काम होगा। पहले काम नहीं हुआ है? नहीं पहले भी काम हुआ है। पहले हुआ है तो फिर परिवर्तन का है होगा? फिर होएगा इंशाल्लाह, थोड़ा सा नया रुकने बनेगा, इसीलिए नया और होगा। जी हाँ चलिए ठीक। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिव रतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।